कलेक्टर बना दो। तो जय हिंद दोस्तों, जय भीम, जय आदिवासी समाज, जय जोहर। तो दोस्तों यार, आपने ये वायरल वीडियो सभी ने देखी होगी, यानी कि यार सभी जगहों पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि निर्मला आदिवासी लड़की है, यानी अपनी प्यारी बेटी और सभी की प्यारी चहेती बहन निर्मला ने एक ऐसी बात बोली है जो सभी के दिल को छू गई है, और प्रशासन ने उनको 2 दिन की कलेक्टर बनाने का निर्णय भी लिया है। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ, यानी कि दोस्तों पूरी बात की जाए तो निर्मला के साथ मिलकर उनकी सारी पूरी जितने भी लड़कियां थी, बहुत सारी लड़कियां कलेक्टर के बाहर यानी अपनी मांगे मनवाने और धरना देने के लिए आई थी अपनी मांगे लेकर, और कलेक्टर के पास, कलेक्टर ऑफिस के बाहर 5 घंटे और 6 घंटे तक उनका वेट करती रही कि कब कलेक्टर साहब आएंगे और उनसे बातचीत करेंगे, पर कलेक्टर उनके सामने नहीं आए। तो निर्मला ने ऐसी बात बोली कि उन्होंने बोला कि हमको कलेक्टर बना दो, हम सारी समस्या का हल कर देंगे। बाद में निर्मला की ये बात सुनकर आसपास में सभी जितनी भी लड़कियां उनके साथ थी वे आत्मविश्वास से भर गई, और एक नए जोश के साथ उन्होंने जो कलेक्टर के बाहर अपना धरना चालू रखा। साथ में जो इनकी वीडियो थी निर्मला की, वो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, और सरकार ने और प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि निर्मला को 2 दिन के लिए कलेक्टर बनाया जाएगा। तो दोस्तों अपनी प्यारी बहन निर्मला जो कि आदिवासी समाज से जुड़ी हुई है, तो दोस्तों यार आपका निर्मला के ऊपर क्या कहना है हमारी प्यारी बहन के लिए, कमेंट बॉक्स में जय आदिवासी समाज, जय जोहर जरूर लिखे। हाँ तो दोस्तों निर्मला दीदी के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी, धन्यवाद।